شهري رمضاني هذه سنتي فرضا لله تعالى نويت صوم غد عن أداء. Assalamualaikum, good evening and hello everyone, welcome to my channel. सो जी अभी मैंने लॉन्ड्री स्टार्ट की है और लॉन्ड्री स्टार्ट करते ही मैंने कहा आज मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ. तो जी वाइट कपड़ों के लिए मैं ये बहार का पाउडर यूज़ करती हूँ, वॉशिंग पाउडर. इससे वाइट कपड़े जो होते हैं वो वाइट ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं. और अब मैं काले कपड़ों के लिए अबाया वॉश यूज़ करती हूँ, अपने अबाया वॉश करने के लिए, और जो ब्लैक टी शर्ट्स और शर्ट्स होती हैं उनके लिए, और बाकियों के लिए मैं टाइड यूज़ करती हूँ. और हाँ जी, ये रहे पाकिस्तानी मैंगोज़. और फाइनली मुझे पाकिस्तानी मैंगोज़ मिल गए, तो मैंने ये बड़ा वाला बॉक्स ले लिया, क्योंकि उसके बाद दोबारा मिलते हैं नहीं मिलते हैं, यू नेवर नो. और आज इफ्तारी में मैं बना रही हूँ समोसे, लाहौरी समोसा. तो जी उसके लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, 2 कप मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा डाला, नमक डालकर, घी डाल के अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून मैंने इसको गुनगुने पानी के साथ अच्छे से गूंद लिया. और इसकी डो सख्त होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन रोटी के जो हम डो बनाते हैं रोटी के लिए, उससे थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए. इसको मैंने 15 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया. और इसकी जो फिलिंग थी उसमें मैंने बॉयल आलू लिए, मटर लिए, उसमें नमक, थोड़ी सी रेड पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, ज़ीरा डालकर, और घी के अंदर मैंने उसको सॉटे कर लिया था, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डालकर, और फिर मैंने इसको शेप दी, और शेप देके इसमें मैंने फिलिंग को स्टफ़ कर लिया. साथ मैं बना रही हूँ समोसों के लिए मीठी चटनी. और इसके लिए मैंने लिया जी 2 कप पानी लिया, उसमें मैंने 1/4 कप से ज़्यादा मैंने शुगर डाली और उसको अच्छे से पका लिया. जब वो थिक सा शीरा बन गया तो उसके अंदर मैंने थोड़ी सी इमली शामिल की, और इमली जब उसके अंदर थोड़ी सी पक गई तो उसके बाद मैंने उसको स्टेन कर लिया, उसको छान लिया अच्छे से. फिर उसमें जी मैंने डाला थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा रेड फूड कलर, और फिर मैंने इसको अच्छे से पकाया. और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल करके मैंने इसको थिक कर लिया है. दैट्स इट, बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये मीठी चटनी की. Hidup damai sejahtera karena Allah semata. Nawaitu sawma gadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati
فرض لله تعالى جلولا رمضان إني ماري لهم لاتف ديري موغا بسا من جالاني إنجا آخر ننتي آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين آمين اللهم और साथ में जी मैं आज डिनर में बना रही हूँ दाल चावल मूंग मसूर की दाल साथ में बॉइल्ड राइस विद ज़ीरा सैलड होगा साथ में और साथ में पापड़ होंगे अचार होगा और ये एक सिंपल सा हमारा डिनर होगा क्योंकि डेली समझ नहीं आता क्या बनाऊं तो आज मैंने सोचा कि सिंपल से दाल चावल खाते हैं काफ़ी दिन हो गए दाल चावल नहीं खाए तो बस जी मैं ये सिंपल सी दाल बना रही हूँ इसमें मैंने पानी डाला दाल के अंदर और एक मीडियम साइज़ का अनियन डाला टमाटो डाल रही हूँ और थोड़े से लाइट से स्पाइसेस डालकर मैं इसको प्रेशर कुकर लगा दूँगी फॉर अराउंड 15 मिनट्स और इसमें ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी गल जाएगी और बस ये सिंपल सी रेसिपी है दाल की कुछ इतना खास नहीं है इसके अंदर तो बस मैं ये करूँगी और साथ साथ रमज़ान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है घर के काम मैनेज करना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने भी मेरे घर के काम होते हैं वो मैं इफ्तार के बाद कर लूँ तो आज मैंने दी क्लटर करना है काफ़ी कुछ जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो मैं निकाल दूँगी कपड़े काफ़ी ज़्यादा निकालने हैं जो कि मैं सोच रही हूँ कि जो उनमें से बिल्कुल सही होंगे उनको मैं चैरिटी बॉक्स में डाल दूँगी صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرض لله تعالى جلولا يوم بركة مري لك تابر سما يدب دمي سجاهترا كرنا الله سماتا صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرض لله تعالى جلولا رمضان إني ماري لهم لا تفديري موغا بسا من جالاني إنجا آخر ننتي So
सूजी दाल अच्छे से पक गई है, अब मैं इसका बनाऊंगी तड़का। और तड़का बनाने के लिए मैं लूंगी ऑयल, इसको अच्छे से गर्म करूंगी। इसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन डालूंगी, कुछ गार्लिक क्लॉव्स डालूंगी अच्छे से क्रश कर, और इनको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। उसके बाद मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी, मस्टर्ड सीड्स डालूंगी, और इसको मैं रेड चिलीज़ डालूंगी, कश्मीरी जिसको मिर्च बोलते हैं वो डालूंगी। दैट्स इट, ये सिंपल सा तड़का होगा और इसे बहुत मज़े की दाल बनती है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं दाल में स्पाइसेस थोड़ी कम रखूं, क्योंकि अगर दाल में मिर्चें ज़्यादा हों तो वो अच्छा टेस्ट नहीं करती। और जी एंड पे मैं गरम मसाला डाल दूंगी, और मेरे ज़ीरा चावल भी तैयार है। और साथ में मैं फ्राई करूंगी पापड़, और दाल चावल इस दाल चावल के साथ जो मूंग मसूर की दाल होती है इसके साथ पापड़ का कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये सिंपल सा डिनर है आज का। شهري رمضاني هذه سنتي فرض لله تعالى جلولا رمضان إني ماري لهم لا تفديري موغا بسا من جالاني إنجا آخر ننتي और ये सीर हाँ आज का सिंपल सा डिनर, मूंग मसूर की दाल, पापड़, अचार और ज़ीरे वाले चावल। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और जी आज से ताकरातें स्टार्ट हो गई हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का तीसरा अशरा। और हम सबको चाहिए कि हमसे जितना हो सके हम उतनी इबादत करें, और ज़्यादा ये नहीं ज़रूरी कि हम बहुत ज़्यादा इबादत करें, लेकिन साफ़ नीयत के साथ, साफ दिल के साथ अगर हम थोड़ी सी भी इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, प्लीज़ मेरा नाम लेके दुआ कीजिएगा। आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज के व्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें वीडियोज़ को, और जो लोग नहीं पसंद करते उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जी आज मुझको जो पहली बार देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड येस गाइज बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ आसान हो जाएगा और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हसीन हो जाएगी। आई लव यू गाइज, अल्लाह हाफिज़।